गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे एक सॉकेट एक स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो मैंने ये प्लाई ली है, इस पे हम सॉकेट और स्विच को पेच की हेल्प से लगा लेंगे। पेच हमारे लग गए हैं, अब हम इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये वाले टर्मिनल है हमारे स्विच और ये वाले टर्मिनल है हमारे सॉकेट के। तो जहाँ पर L लिखा होता है वो होता है लाइन यानी कि फेज वाला टर्मिनल, और जहाँ पर N लिखा होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल वाला टर्मिनल, और ऊपर वाला टर्मिनल हमारा होता है अर्थिंग का, यानी कि आपने घर में अर्थिंग करवा रखी तो यहाँ पर वायर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर वायर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा वायर लिया है और उसे ऊपर से छील लिया है। अब हम इस वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस वायर को सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पे यानी कि लाइन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इतनी वायरिंग हमने कर ली और आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसे इनकमिंग सप्लाई देंगे। तो मैंने ये वायर लिया है और उस पर 2 पिन टॉप का ये प्लग लगा हुआ है। ये वाला वायर है हमारा न्यूट्रल वायर और ये वाला वायर है हमारा फेज वायर। तो इस फेज वायर को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम न्यूट्रल वायर को सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस वायरिंग हमारी हो गई है, अब हम इसे बोर्ड पर फिट कर लेते हैं। बोर्ड में फिट करने से पहले वायर में गांठ लगा दे ताकि इस पे खिंचाव पड़े तो ये टर्मिनल से ना निकले। बोर्ड की फिटिंग हमारी हो गई है, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब हम प्लग को सप्लाई में लगा देंगे और मैंने ये टेस्टिंग के लिए बल्ब ले लिया है। चलिए इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइज बोर्ड हमारा 100% काम कर रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।